तो चलिए अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की और अब बारी है मासे गीत की। अब हम चलेंगे एक जर्नी पे। ये जर्नी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती है। शी इज नन अदर देन ऐश्वर्या राय बच्चन जी। एंड प्रेजेंटिंग दिस एक्ट इज गेदी के गैंगस्टर्स से निर्मल एंड साहिल। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था। तो जिसे आपने डेडिकेट किया है उन्हीं से पूछेंगे हम। ऐश्वर्या मैम, सो ब्यूटीफुल कीति, रियली इट्स अ प्रिटी सॉन्ग एंड दे बोथ हैव डन इट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल्स थ्रू आउट। बोथ ऑफ यू आर स्माइलिंग, देयर इज ग्रेस, देयर इज एक्सप्रेशन, वाज जस्ट रियली रियली स्वीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इरफान सर, यार मेरे पास शब्द कम हो रहे हैं बोलने के लिए, बिकॉज क्या बोलूं मैं इसके बारे में। बहुत ही कम पड़ रहे हैं। हाँ, टिकट वाकई कम पड़ रहे हैं, शब्द भी कम पड़ रहे हैं। वेरी नाइस, यू नो द कोऑर्डिनेशन एंड द चॉइस ऑफ सॉन्ग और उस पर डांस, मतलब ये ऐसे गानों पर डांस करते हैं इसमें इमेजिन नहीं होता कि इस पर डांस हो सकता है। इट इज़ फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू वेरी बेस्ट। मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर पुनीत से। मैं मास्टर गीति को कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली वॉज सो ब्यूटिफुली सेड। हम लोग ऑनलाइन जाते हैं और एक अगर एक्टर या एक्ट्रेस का पूरा डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, वो पूरा डिस्क्रिप्शन एक तरफ और ये एक्ट एक तरफ। क्या बात, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ ऐश्वर्या जी मूवी लाइन इज सेड इन दिस 2 मिनट्स। सो वेरी वेल डन, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे निभाया। एक चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी, दैट स्टैक जंप जहाँ पे रनिंग वाला पोजिशन आप ऑल द वे शोल्डर पे गए, वो मुझे लगा कि आप भाग के पकड़ोगे, पर दैट वॉज एक्चुअली अ मैजिक मोमेंट जहाँ पे भागे टप करके रुके, एंड वॉज डन प्रिसाइसली परफेक्टली। उसके बाद एक स्लो बैकफ्लिप मारा जो सपोर्ट के साथ किया, ऐसा लग रहा था पानी में कुछ कर रहे थे। इट वॉज डन सो नाइसली, ओवरऑल अ वेरी इम्पैक्टफुल एक्ट। एंड एक्चुअली थैंक यू ऐश्वर्या जी, आपकी इतनी अच्छी ब्यूटिफुल जर्नी रह चुकी है ताकि हमें इतना अच्छा
एक एक्ट मिला। एक गाने में इतने सारे गाने मुझे लगा मिक्स करके डालेंगे, मस्त गई थी, बट एक ही गाने में आपने इतने सारी बोलते ना रूह, इतना सारा सोल उसके अंदर डाला, तो बहुत ही खूबसूरत एक्ट एंड आई मस्ट से दैट इट्स एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, मैं हमेशा देखता रहूंगा और बहुत ही बखूबी से आप दोनों ने इसको निभाया है, सो लव यू गाइस। थैंक यू सर। और साहिल फिर से कहूँगा एक्सप्रेशन जी तोड़ यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मास्टर बेटी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निर्मल एंड साहिल फॉर सेटिंग सच अ ब्यूटिफुल मूड। हम लोग खाली आपको एक चीज दे सकते हैं मगर उसको कैसे आप लोग इतनी खूबसूरती से ढाते हो, जिस तरह से आप लोग पेश करते हो, आई जस्ट वांट टू से अगेन माय टू पिलर्स यू मेड मी प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, व्हाट ए ग्रेसफुल परफॉर्मेंस। आपने जिन्हें डेडिकेट किया है वो तो है ही ग्रेसफुल, आपने उस पर और अंदाज डाल के और ग्रेसफुल कर दिया। यदि तुमने सोचा है इसके लिए आपको भी थैंक यू, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं जो मेरे पास बैठी हुई ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत फाइनेस्ट परफॉर्मर्स हैं, लेकिन इनका नाम उनके साथ नहीं लेंगे तो डांस का अपमान होगा। मैं हर पिक्चर देखा हूं इनकी, बट वे इज शी सो ग्रेसफुल, दैट फिनिश जो मैं हर बार तुम लोगों को कहता हूं, ये उनमें से है जो ग्रेस पे खेलती रहती है, खेलती रहती है, खेलती रहती है। एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट फॉर दिस ग्रेट लेडी, Thank you so much Grandmaster, and thank you so much Nirmal and Sahil for this lovely performance. Let's hear it for them. Thank you. Ada mujhe kuch bolna hai, main ijazat dunga sher o shayari aur gaane ke alawa tu kuch bhi bol sakta hai. Alawa kuch kiya hi nahi zindagi mein. गाना गाया? हाँ, उसके अलावा जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है दादा वो। हाँ, मैं एक थोड़ा सा गाना गाऊंगा मैम के लिए। हाँ, पूरा तो नहीं गाएगा, थोड़ा थोड़ा सा। पूरा गाएगा तो बोलना, हम दोनों डिसाइड करेंगे। आप कान बंद कर लेंगे तो अच्छा। चलो गाओ। वो टेंशन मत लीजिए, खुद ब खुद ही ना हमारे गेस्ट भी कान बंद ही करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। इतना भी बुरा नहीं गाता हूँ। हाँ, शुरू हो जाए। जैसे बाथरूम सिंगर थोड़ा। हाँ, फील दिस इज फॉर यू। मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का जो रिएक्शन था मैं ऑनेस्टली बताना चाह रहा हूँ, मैं उनको एडवाइस करना चाह रहा हूँ। जी जी, जिसके लिए भी गाना हो ये मत गाना, उसको सीधे से बोल देना तेरे लिए मर जाऊंगा, वो समझ लेगी। मुश्किल हो जाएगा भाई, किसी को गाना डेडिकेट करना हो तो कैसे करे मतलब? अब वो अगले जन्म में। मसूर दाल, अभी देख, इतनी बेइज्जती के बाद फिर भी तू रहना चाहता है? वो उनके लिए ना रिप्लाई में एक और गाना गाएंगे। नो, ऐश, हम लोग गुरु के टाइम याद है ना, अभिषेक ने मुझे बोला दादा खाली ये रिक्वेस्ट है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं आई विल नॉट गो इनटू। हम लोग गुरु के टाइम में हम जो शूटिंग कर रहे थे ना, अभिषेक मुझे आके खाली इतना बोलता है दादा खाली ऐश को जाके इतना बोलना बस एक गाना, उसका रिएक्शन। आप गाओगी तो नहीं ना? नहीं तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा मैं तुम्हारी जगह होता। नहीं, उनको तो मत ही बोलो, वो सीरियसली भी ले लेंगी। ऐश्वर्या मैम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यू नो मास्टर मुदस्सर के लिए सब ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप तो कुछ अच्छा बोल दीजिए, इतना अच्छा स्वीट सा गाना मतलब गाया है। मैं खड़ी हो गई और मैंने उनके लिए क्लैप किया। अच्छा किया? हाँ। ये गैस का चूल्हा जलता है मुझसे। आप भी यहाँ जरा एक सेकंड आ जाइए।
क्या यहाँ आ ही जाइए. अरे हा? क्या बात कर रहे हो. मैं कहा इधर आ. भले इधर आ. नहीं नहीं उससे पहले मैं नहीं मिलने वाला. पता नहीं इस सिलसिले को हम अभी यही खत्म करते हैं. अब आप जरा प्लीज. आपने बहुत बहुत बेइज्जती की आपने. ओह माय गॉड. ए हाई सेम टू सेवा. अरे मेरी चलो गुड. अरे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा. बैठ जाओ बैठ जाओ. एक बात आपको बोलूं. ये जब भी तेरे में इतनी सच्चाई है ना भाई बहन कैसे लगते हैं. कमाल है यार. अरे जान दो. अरे जाने दो. अरे जान दो. अभी आप मुझे कही दो कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे तो चले जाता था. इतना अच्छा ये नो पर डे मिल गया. अभी क्या चाहिए अपने को. नहीं लेकिन बेटा ये पर डे है. मेरे को पर लाइफ मिला है. पर ईयर भी नहीं पर लाइफ मिला समझे. हाँ वो आखिरी था तुम्हारा. मैंने क्या गुनाह किया है. और सबसे इम्पोर्टेंट ऐश्वर्या जी वी शेयर बर्थडे आल्सो फर्स्ट नवंबर. फर्स्ट यस. एक सेकंड ये क्या चल रहा क्या बाबा. एक मिनट. साईं बाबा का मंदिर है क्या जो एक एक करके सब जाते जा रहे हैं.